हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में मैं आपको आज स्पेशल सीरीज़ सिखाने वाला हूं। इसके पहले भी मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया हुआ है, ये उसका कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तो आज मैं रिमेनिंग पार्ट जो स्पेशल सीरीज़ का बचा हुआ है वो आपको मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द सम 2² + 4² + 6² + 8² + n टर्म्स दिया है, तो इसका अपने को सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए पहले सीक्वेंस को अपने को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे लास्ट का जनरल टर्म आपको दिया नहीं है, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ जनरल टर्म फाइंड आउट करने का। देखो, अगर ये नंबर्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर मैं सपोज स्क्वायर को निकाल देता हूँ, तो ये जो नंबर्स आपका बचेगा विदाउट स्क्वायर, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, राइट, लाइक दैट अप टू आएगा यहाँ पे n टर्म्स, हाँ अप टू n टर्म्स, ठीक है। सो ये सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म का वैल्यू 2 है, दैट मीन्स यहाँ पर देखो a का वैल्यू 2 है, और अगर आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो 4 - 2 = 2 मिलेगा। कॉमन डिफरेंस सेम आएगा एवरीवेयर, हाँ 6 - 4 = 2 आएगा, 8 - 6 = 2 आएगा, दैट मीन्स 2, 4, 6, 8 अप टू n टर्म्स, ये सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ पर मैं इसका जनरल टर्म निकाल सकता हूँ, तो tn इक्वल टू हो जाएगा, आपको फॉर्मूला मालूम है, a प्लस n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। सो दिस इज इक्वल टू 2 + n - 1 × d, तो d यहाँ पे 2 मिल गया है। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं इसको, देखो क्या होगा, 2 प्लस ये हो जाएगा 2n - 2, तो -2 और ये +2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअली आपको यहाँ पर मिलेगा 2n। तो ये जनरल टर्म हो गया आपका, दैट मीन्स वॉट, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, अप टू n टर्म्स दिया है। नाउ सी, सो देयरफोर गिवन सीक्वेंस आई कैन राइट हियर दिस वे ऑल्सो, 2² + 4² + 6² + 8² + अप टू जो लास्ट का टर्म रहेगा वो हो जाएगा 2n का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, हाँ दिस विल बी 2n द होल स्क्वायर। सो दिस आई कैन राइट 2n द होल स्क्वायर, दिस वे आई कैन राइट। अब इसका सम आपको निकालने का है, सो दिस विल बी सेम एज अ, अब मैं इसको सिग्मा नोटेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका सिग्मा आर टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 to n लिखते हैं हम लोग, और ये हो जाएगा आपका 2r का होल स्क्वायर, दिस वे आई कैन राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे देखो क्या मिलेगा आपको, सिग्मा आर टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 to n, ये हो जाएगा आपका 4r² है, 4 कॉन्स्टेंट है, तो ये 4 आपका बाहर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा सिग्मा आर टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे r² हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, सो दिस इज 4 × अब देखो यहाँ पे सिग्मा आर स्क्वायर दिया है, तो सिग्मा आर स्क्वायर का मीनिंग होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और उसका फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल है। इसका फॉर्मूला होता है n (n+1) × 2n+1)/6, ये इसका फॉर्मूला है। सो दिस इज इक्वल टू 4 और 6 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बचेगा आपका 2n (n+1) / 2n+1)/3 यहाँ पर 3 बचता है। नाउ सी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, फाइंड दिस सम 70² - 69² + 68² - 67² + 66² - 65² दैट मीन्स यहाँ पे दिया है आपको इवन नंबर का स्क्वायर माइनस ऑड नंबर का स्क्वायर, इवन नंबर का स्क्वायर माइनस ऑड नंबर का स्क्वायर ईच टर्म में आपको दिया हुआ है। तो थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सो आई विल राइट हियर दिस इज इक्वल टू, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जो इवन नंबर है उसको एक ब्रैकेट में लिखता हूँ, और जो ऑड नंबर है उसको मैं सेकेंड ब्रैकेट में लिखता हूँ। देखो 70² - 68² - 66² = 2 का डिफरेंस है, लास्ट नंबर देखो यहाँ पे 2² आपको दिया है, सो दिस आई कैन राइट दिस वे ऑल्सो, 2² + 4² + 6² + 8² + लास्ट आपको दिया है 70, ये हो जाएगा प्लस अप टू हो जाएगा ये 70 का स्क्वायर हो जाएगा, दिस वे ऑल्सो आई कैन राइट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में डालता हूँ। देन नाउ सी हियर, यहाँ पर दिया देखो -69² - 67 - 65 - 1, मतलब 1-1 का डिफरेंस है, लिस्ट नंबर है 1 का स्क्वायर, तो मैं माइनस साइन यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, और मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ देखो 1 का स्क्वायर, 2-2 का डिफरेंस है, नेक्स्ट नंबर आएगा 3 का स्क्वायर, नेक्स्ट आएगा 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट आएगा 7 का स्क्वायर, प्लस ये कंटिन्यू रहेगा, और देखो यहाँ पे लास्ट का नंबर क्या दिया आपका 69 दिया है, तो ये हो जाएगा 69 का स्क्वायर।
तो जस्ट मैंने रीअरेंज किया और माइनस साइन को कॉमन लिया है ऑड नंबर में से, ठीक है। दोनों ब्रैकेट का सम है, इसको मैं सिग्मा नोटेशन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो दिस आई कैन राइट हियर, देखो सिग्मा आर टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 to, यहाँ पे मैं लिखूँगा 35, और जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना, दिस आई कैन राइट हियर 2 द होल स्क्वायर ऑल्सो माइनस। देखो कैसे मिला है अपने को, अगर मैं 2 का होल स्क्वायर करूँगा, देखो अगर मैं r का वैल्यू 1 पुट करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर, देखो ये वैल्यू मिल जाएगा। अगर मैं r का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा देखो 4 का स्क्वायर। इफ़ आई पुट r इक्वल टू 3 तो आई विल गेट हियर 6 स्क्वायर, दैट मीन्स ये नंबर्स आपको मिलते जाएगा। और लास्ट में अगर मैं r का वैल्यू 35 पुट करूँगा तो 35 इंटू 2 कितना आएगा 70, तो ये देखो 70 का स्क्वायर मिल जाएगा। दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर r टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 to 35। एग्जैक्टली सेम वे देखो नेक्स्ट ब्रैकेट को हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको सिग्मा नोटेशन में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो सिग्मा हो जाएगा r टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 to 35 हो जाएगा। अब ये देखो ऑड नंबर है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सो आई कैन राइट दिस वे ऑल्सो, इसको मैं 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अगर मैं r का वैल्यू 1 पुट करूँगा, अगर मैं r का वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर मिलेगा मुझे। अगर मैं r का वैल्यू 2 पुट करूँगा तो 2 टू ज़ा 4 माइनस 1 मतलब मुझे 3 का स्क्वायर मिल जाएगा। इफ़ आई पुट r इक्वल टू 3 सो 3 टू ज़ा 6 माइनस 1 5 आएगा, देखो 5 का स्क्वायर मिल जाएगा। और अगर मैं r का वैल्यू 35 पुट करूँगा तो 35 टू ज़ा कितना आएगा 70 माइनस 1 तो ये देखो हो जाएगा आपका 69 का स्क्वायर हो जाएगा। तो लास्ट नंबर आपको आ जाएगा 69 का स्क्वायर, दैट्स वाई r का वैल्यू 1 से लेकर 35 तक रहेगा। अब ये सिग्मा नोटेशन कन्वर्ट हो गया, सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, हम लोग इसको सिम्प्लीफाई करते हैं। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा सिग्मा r टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 to 35, 2r का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस सिग्मा r टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 to 35, 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर है, एक्सपांड करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 टू ज़ा 4r और ये प्लस 1 हो जाएगा सिग्मा नोटेशन, दैट मीन्स हम लोगों ने इसको स्क्वायर किया, एक्सपांड किया। अब देखो यहाँ पे जो सिग्मा दिया है r टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 to 35, यहाँ पर भी है 1 to 35, तो मैं क्या करता हूँ सिग्मा को कॉमन लेता हूँ ये दोनों भी टर्म्स में। तो आई विल टेक हियर सिग्मा r टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 to 35 कॉमन लेता हूँ, तो ब्रैकेट में देखो आपको क्या बचेगा 4r स्क्वायर माइनस ये पूरा टर्म बचेगा, तो माइनस से ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा माइनस 4r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4r हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा। तो प्लस 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर कैंसिल होता है, सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा r टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 to 35, यहाँ पे बचेगा आपका 4r माइनस 1 बचता है, और इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा सिग्मा r टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 to 35 4r माइनस सिग्मा r टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 to 35 1, दोनों को सिग्मा मैंने अप्लाई किया। सो देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या आता है आपका फाइनल। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, अब ये 4 कांस्टेंट है सिग्मा के बाहर आ जाएगा तो 4 कांस्टेंट हो गया। अभी आपको मालूम है सिग्मा r का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा r होता है सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा n n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं n n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, फॉर्मूला यूज़ किया माइनस सिग्मा 1 का वैल्यू होता है n, राइट। बट यहाँ पे n का वैल्यू क्या रहेगा 35 रहेगा, तो मैं n का वैल्यू 35 पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 4 × 35 × 35 + 1 डिवाइड बाय यहाँ पे 2 है माइनस n का वैल्यू 35, कैंसिल करते हैं 2 टू ज़ा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 35 × 35 + 1 तो ये 36 आएगा माइनस ये 35 हो जाएगा। सिंपल वे से सॉल्व करना है तो मैं 35 को कॉमन लेता हूँ यहाँ पे, ये बचेगा आपका 2 × 36 - 1 बचेगा, सो दिस इज 35 × 36 2 ज़ा किया तो कितना मिल जाएगा आपको 72 मिलेगा और ये माइनस 1 ये जाएगा आपका 35 × 71 आएगा। सो 35 × 71 किया तो 2485 आपको आंसर मिल जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करो तो आंसर मिलेगा 2485। दैट मीन्स जो गिवन क्वेश्चन था उसका फाइनल आंसर आ गया है 2485, सम सॉल्व हो गया। नाउ सी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपको, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज़ हाँ 1 × 3 × 5 + 3 × 5 × 7 + 5 × 7 × 9 ++, तो लास्ट में जो जनरल टर्म आता है वो यहाँ पर दिया हुआ है
टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस थ्री दिया हुआ है। तो जनरल टर्म्स दिया है तो सॉल्व करना बहुत ईजी है। तो दिस गिवन क्वेश्चन को सिग्मा नोटेशन में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो दिस वेस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिग्मा आर टेक्स वैल्यू फ्रॉम वन टू एन लिखेंगे। वहाँ पर देखो दिया है टू एन माइनस वन, सो दिस आई विल राइट हियर टू, इसको लिखेंगे हम लोग टू आर माइनस वन लिखेंगे इंटू टू आर प्लस वन हो जाएगा ये, और ये टू आर प्लस थ्री हो जाएगा। तो गिवन क्वेश्चन को क्या किया मैंने, सिग्मा नोटेशन में कन्वर्ट किया, एन था तो उसकी जगह पे आर रिप्लेस कर देंगे हम लोग। तो ये हो गया सिग्मा आर टेक्स वैल्यू फ्रॉम वन टू एन, टू आर माइनस वन, टू आर प्लस वन, टू आर प्लस थ्री। अब इसको सॉल्व करना ईजी है, जस्ट आप इसको सिंप्लीफाई करते जाओ। सो दिस इज इक्वल टू जाएगा ना, देखो यहाँ पे सिग्मा आर टेक्स वैल्यू फ्रॉम वन टू एन हम लोग मल्टीप्लाई करते, देखो यहाँ पर 2r माइनस वन इंटू टू आर प्लस वन। तो यहाँ पर हम लोग a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का अल्जेब्रिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2r का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 4r स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर किया तो 1 हो जाएगा। दिस इज मल्टीप्लाइड विथ 2r प्लस 3। अगेन हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा आर टेक्स वैल्यू फ्रॉम वन टू एन, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा फोर टू ज़ा एट आर क्यूब हो जाएगा, प्लस फोर थ्री ज़ा हो जाएगा ट्वेल्व आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये टू आर, और ये हो जाएगा आपका माइनस थ्री। सो देखो इसको हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो ये एज इट इज़ रहेगा। तब हर एक टर्म्स को अपने को सिग्मा नोटेशन यूज़ करना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा, एट कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, सिग्मा आर टेक्स वैल्यू फ्रॉम वन टू एन यहाँ बचेगा आर क्यूब, प्लस ये 12 बाहर रहेगा कॉन्स्टेंट है, सिग्मा आर स्क्वायर आर टेक्स वैल्यू फ्रॉम वन टू एन, देन माइनस टू कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा आपका सिग्मा आर आर टेक्स वैल्यू फ्रॉम वन टू एन, माइनस थ्री बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा आपका सिग्मा वन, और ये आर टेक्स वैल्यू फ्रॉम वन टू एन। सिग्मा नोटेशन मैंने कन्वर्ट किया, सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 8 इंटू सिग्मा आर क्यू, आर क्यू का मतलब होता है सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको 4 बोलते हैं, प्लस ये देखो हो जाएगा आपका 12 इंटू सिग्मा आर स्क्वायर का मीनिंग होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, और उसका फॉर्मूला आपको मालूम है, उसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाय 6, ये इसका फॉर्मूला है राइट। देन माइनस टू इंटू सिग्मा आर, सिग्मा आर का मीनिंग होता है सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, और उसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन डिवाइड बाय 2 माइनस 3 इंटू सिग्मा वन का वैल्यू होता है एन, दिस वे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को, तो पहले हम लोग ट्राई करते हैं इसको कैंसिलेशन करने का। ये देखो 2 कैंसिल होगा आपका, देन ये 4 वन ज़ा 4 टू ज़ा कैंसिल होगा, 6 वन ज़ा ये 6 टू ज़ा कैंसिल होगा। सो देखते हैं यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, ये हो जाएगा 2 एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बच रहा है आपका 2 एन एन प्लस वन, दिस इज 2 एन प्लस वन, और यहाँ बच रहा है आपका माइनस एन इंटू एन प्लस वन बच रहा है यहाँ पे, और ये माइनस 3 एन बच रहा है, ठीक है। हम लोग ट्राई करते हैं इसको सिंपल करने का। देखो ये फर्स्ट टर्म है प्लस सेकंड टर्म है माइनस ये थर्ड टर्म है, सो तीनों भी टर्म्स में मैं एन एन प्लस वन एन एन प्लस वन एन प्लस एन एन प्लस वन को कॉमन ले लेता हूँ तो कुछ सिंपल हो जाएगा ये। तो आई विल टेक हियर एन इंटू एन प्लस वन कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट थ्री टर्म्स, ठीक है। तो n n प्लस वन कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा आपका 2n n प्लस वन बचेगा, सो दिस विल बी 2n n प्लस वन यहाँ पे बचेगा। सेकेंड टर्म में देखो n n प्लस वन कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा 2 इंटू 2n प्लस वन, तो यहाँ बचेगा आपका प्लस 2 इंटू 2n प्लस वन बचेगा। और यहाँ पे देखो मैंने माइनस n, यहाँ पे n n प्लस वन कॉमन लिया था तो वहाँ पे माइनस वन बच जाएगा, और ये जो लास्ट का टर्म है माइनस थ्री एन ये तो एज इट इज़ रहेगा आउटसाइड द ब्रैकेट। तो पहले हम लोग ब्रैकेट को ट्राई करते हैं सिंप्लीफाई करने का। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा एन एन प्लस वन एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो 2n से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर प्लस 2n हो जाएगा, प्लस दिस विल बी 4n प्लस 2 माइनस 1, और ये जो ब्रैकेट के बाहर है माइनस 3n एज इट इज़ रहेगा। सिंप्लीफाई करते जाते देखते हैं आंसर क्या आता है। सो दिस इज इक्वल टू, सो दिस विल बी एन, ये हो गया आपका एन प्लस वन
ब्रैकेट, देखते क्या आता है, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर। नाउ सी प्लस 2n प्लस 4n, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 6n हो जाएगा, एंड देन प्लस 2 माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर दिया है माइनस 3n। ये फर्स्ट टर्म है आपका और ये सेकेंड टर्म है, दोनों भी टर्म्स में n कॉमन है, तो मैं n को ओवरऑल कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर आपने n को कॉमन ले, देखो यहाँ पे क्या बचता है आपका, यहाँ बचेगा आपका n प्लस 1 इन टू, यहाँ बच रहा है आपका 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1, और यहाँ पर माइनस 3 बच रहा है, ठीक है। अब मैं पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करता हूँ, n एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, n इंटू 2n स्क्वायर, ये हो जाएगा 2n क्यूब हो जाएगा, प्लस n इंटू 6n, सो दिस इज 6n स्क्वायर, प्लस हो जाएगा ये n, अब प्लस 1 से इंटू करता हूँ, तो प्लस हो जाएगा 2n स्क्वायर, प्लस दिस इज 6n प्लस 1, और ये माइनस 3 एज इट इज़ रहेगा। सिंप्लीफाई करके देखते क्या आता है, सो दिस n इंटू 2n क्यूब, तो एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, 6n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 8n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस n प्लस 6n, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 7n, और ये माइनस 3, तो ये आपका देखो फाइनल आंसर हो गया। तो गिवन जो सीक्वेंस था उसका सम मिला आपको n इंटू 2n क्यूब प्लस 8n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 3, सम सॉल्व हो गया। नाउ सी हियर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, इक्वेशन के फॉर्म में दिया है सीक्वेंस, यहाँ पे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस प्लस अप टू n टर्म लिखा हुआ है, अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस अप टू n टर्म्स इक्वल टू 100 अपॉन 3 दिया है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी सम ऑफ द टर्म्स दिया हुआ है, तो मैं उसको स्पेशल सीरीज में यानी कि सिग्मा नोटेशन में कन्वर्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे 1 इंटू 2 है प्लस 2 इंटू 3 है, सो द सेम थिंग आई कैन राइट दिस वे ऑल्सो। देखो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करोगे तो 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर है, सेकंड सम अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे दिया है 2, 3, 4, 5, ये भी नेचुरल नंबर है बट 2 से स्टार्ट हो रहा है। सो गिवन थिंग्स आई कैन राइट दिस वे ऑल्सो, आई कैन राइट सिग्मा आर टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 टू n लिखता हूँ मैं, और इसको लिखता हूँ मैं r इंटू r प्लस 1 भी, देखो मैं लिख सकता हूँ इसको, अगर मैं r का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, मतलब 1 इंटू 2 आ जाएगा। अगर मैंने r का वैल्यू 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 प्लस 1 3, मतलब 2 इंटू 3 आएगा। अगर मैंने r का वैल्यू 3 पुट किया तो 3 इंटू 3 प्लस 1 4, यानी कि 3 इंटू 4 आपको मिलते जाएगा टर्म्स यहाँ पे। तो जो न्यूमरेटर है मैंने उसको सिग्मा नोटेशन में कन्वर्ट किया, एग्जैक्टली सेम वे डिनोमिनेटर को भी हम लोग सिग्मा नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा r हो जाएगा, r टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 टू n, बिकॉज r का वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस अप टू n मिलते जाएगा, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है इक्वल्स टू 100 अपॉन 3 एज इट इज़ रहेगा। सॉल्व करके आपको n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो न्यूमरेटर देखो क्या हो जाएगा, सिग्मा r टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 टू n, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस r हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये सिग्मा r, मैं ऐसे रखता हूँ r टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 टू n, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, इक्वल्स टू ये है 100 अपॉन 3। अब देखो सिग्मा का जो नोटेशन है वो दोनों टर्म्स को अप्लाई होगा, सो दिस आई कैन राइट हियर सिग्मा r स्क्वायर, यहाँ पे r टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 टू n है, प्लस ये हो जाएगा आपका सिग्मा r, और यहाँ पे r टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 टू n है डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिग्मा r, एंड दिस r टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 टू n, और इक्वल टू कितना दिया आपको यहाँ पे 100/3। तो फर्दर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अभी देखते क्या आता आंसर। सिग्मा आर स्क्वायर का मीनिंग होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये, तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम ही है, दिस इज इक्वल, तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला होता है n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, ये फॉर्मूला होता है, प्लस सिग्मा आर का फॉर्मूला मालूम है आपको n n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 n n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और ये टोटल डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे सिग्मा आर, अगेन सेम फॉर्मूला, दैट मीन्स n n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और ये इक्वल टू कितना दे दिया है 100 अपॉन 3 दिया है। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखो न्यूमरेटर में मैं क्या करता हूँ, n n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, दोनों टर्म्स में से n n प्लस 1 अपॉन 2 को कॉमन लेता हूँ, तो आई विल टेक हियर n n प्लस 1 अपॉन 2 में कॉमन लेता हूँ,
तो देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, n n प्लस वन अपॉन टू कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में बचेगा आपका 2n प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन गया है तो ये 3 बच जाएगा, प्लस ये पूरा कॉमन लिया है तो 1 बचेगा यहाँ पे ब्रैकेट में। और देखो यहाँ पे अपॉन का टर्म है, एज इट इज़ लिखता हूँ n n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू कितना दिया यहाँ पे 100 अपॉन 3। नाउ दिस n n प्लस 1 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बच रहा है आपका। सो दिस इज 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू बच रहा है यहाँ पे 100 अपॉन 3। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 2n प्लस 1 इंटू n, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1, और ये प्लस 3 इंटू 1, तो 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 इक्वल्स टू ये 100 अपॉन 3 हो गया। अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा, सेम डिनोमिनेटर, देखते हैं यहाँ पे क्या बच रहा है आपका। तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 3, तो 4 हो जाएगा और इक्वल टू ये 100 है। सो दिस विल बी 2n इक्वल टू 100 माइनस 4, कितना आएगा 96 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 96 अपॉन 2 किया जाएगा 48। तो देखो सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है ये। नाउ सी हियर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, इफ़ S1, S2 एंड S3 इज द सम सम ऑफ द स्क्वायर्स एंड सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर, देन शो दैट 9S2 स्क्वायर इक्वल टू S3 इंटू 1 प्लस 8S1। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो S1 आपको क्या दिया है, S1 इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको मालूम है, n n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। S2 आपको दिया है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो इसका फॉर्मूला होता है n n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये फॉर्मूला है। और S3 आपको दिया है सम ऑफ द क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, तो इसका फॉर्मूला होता है n² इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये फॉर्मूला है। फर्स्ट विल टेक LHS लेकर के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो LHS क्या दिया आपको, 9S2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू S2 का स्क्वायर। ठीक है, LHS लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका, देखो 9S2 का स्क्वायर, तो ये आपका S2 है, ये पूरे का आपको स्क्वायर करना है, तो ये पूरे का स्क्वायर करना मीन्स वॉट, ये हो जाएगा आपका n का स्क्वायर हो जाएगा इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू यहाँ पे 2n प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर किया, तो ये 36 हो जाएगा आपका, राइट। तो ये हो गया दिस वे, तो ये वैल्यू मिला। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, 9 और 36 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 9 4 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 इंटू n² इंटू n+1 का स्क्वायर इंटू ये है 2n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो गया आपका LHS। अब हम लोग RHS लेकर के सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर, तो RHS देखो क्या दिया है, RHS इक्वल टू यहाँ पर दिया है S3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8S1, यहाँ पर दिया, राइट, S3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8, और यहाँ पे लिखा है S1। तो ये ट्राई करते हैं हम लोग सॉल्व करने का, सो दिस इज इक्वल टू S3, ये वैल्यू दिया है आपको, S3 दिया है n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट में 1 प्लस 8 इंटू S1, आपको दिया है n n+1 डिवाइड बाई 2, ये है n n+1 डिवाइड बाई 2। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू जाएगा आपका n² n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 एज इट इज़ रहेगा। ब्रैकेट को हम लोग ट्राई करते हैं सिंप्लीफाई करने का, इसको देखो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 8, और ये 2 मल्टीप्लाई 8 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 4 4n इंटू n+1 हो जाएगा दिस में। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट में 1 प्लस, ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग, तो ब्रैकेट अगर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4n² प्लस, यहाँ पर मिलेगा आपको 4n, सो दिस इज इक्वल टू n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे देखते हैं ब्रैकेट में क्या आता है। नाउ सी हियर, 4n यहाँ पे दिया है 4n का स्क्वायर, और यहाँ पे आपको 1 दिया है, सो दिस सेम थिंग आई कैन राइट दिस वे ऑल्सो, इसको मैं 2n+1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, बिकॉज अगर मैं इसको एक्सपांड करूँगा तो सेम आएगा, देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो आई विल गेट सेम थिंग। तो ये हो गया आपका RHS। ठीक है, नाउ सी हियर,
LHS का वैल्यू देखो क्या मिला आपको, n स्क्वायर n प्लस वन द होल स्क्वायर इंटू टू एन प्लस वन द होल स्क्वायर अपॉन फोर। सेम थिंग देखो RHS मिला, n स्क्वायर n प्लस वन द होल स्क्वायर टू एन प्लस वन द होल स्क्वायर अपॉन फोर। तो ये प्रूफ हो गया देखो आपका, देयरफॉर आई कैन राइट हियर LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूफ हो गया आपका। तो सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। सो माई डियर स्टूडेंट, आई होप आज जो भी टॉपिक मैंने कवर किया है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना, सो दैट मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।